आप मतलब आइए आपकी मातृभाषा है, आप जन्म से हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी सुने, आप अभी पार्लियामेंट आके संसद आके आप हिंदी में भाषण दे रहे हैं, आपकी पूरी जिंदगी आप हिंदी में गुजर सकेंगे, और आप चाहते हैं अभी कि सारे फाइल में हिंदी लिखा जाए, कि सारे सरकारी अनाउंसमेंट हिंदी में हो जाए। तो आप ये सोचिए कि हमारे देश में ऐसा होगा कि सरकार के सब कुछ सारे काम के लिए सिंह और शुक्ला और शर्मा के लिए कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि जो बचपन से बोल रहे हैं वही उसी भाषा में सारे काम चल रहा है, लेकिन सुब्रमण्यम और रेड्डी और मेनन को क्या होगा? तो आप सोचिए, अगर आप भारत की एकता चाहते हैं कि भारत एक रहना चाहिए, हमें कभी कभी ये भी समझना चाहिए कि देश में ऐसे लोग भी है जो हिंदी समझते नहीं है, अच्छी तरह बोल नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, लेकिन वो भी भारतवासी के पूरे हक है आपके जैसे इस भारत देश में, वो भी भारत नागरिक। तो मेरा दुख ये है कि ये समझने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं है, और जब हम अंग्रेजी में बोलते हैं, ये नहीं है कि हम ब्रिटिश को बहुत पसंद करते हैं, मेरे ख्याल में मेरी ही रेपुटेशन तो वैसे ब्रिटेन में तो बहुत अच्छा नहीं है, ये है कि हमारे देश में एक भाषा छोड़ी गई जिसमें मैं भारत के हर इलाका में मैं बोल सकूं और समझ सकूं। सही है कि शायद एक छोटी सी एजुकेटेड एलीट से बात कर रहा हूं मैं, लेकिन उनके माध्यम से उनकी भाषाओं में मेरे संदेश दूसरों को भी जा सकते हैं, इसलिए मैं अंग्रेजी में लिखता हूं, अंग्रेजी में बोलता हूं। वो तो अलग विषय, आपने वो नहीं पूछा, मैं सिर्फ ये भी बताना चाहता था क्योंकि भाषा की पहले प्रश्न है। केरल में तो वैसे हम तो हिंदी बोलने के लिए तैयार है, समझने के लिए तैयार है, लेकिन आप तमिलनाडु जाइएगा तो आप हिंदी में आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको जवाब मिलने वाले नहीं है। मैं तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज एचआर की मिनिस्ट्री में 1.5 साल काम किया, उस वक्त हमारे एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्कीम था, बहुत सक्सेसफुल स्कीम, जवाहर नवोदय विद्यालय। आप सुने कि हर जिले में एक गरीब लड़कों के लिए दूर स्कूल के क्वालिटी वाले बोर्डिंग स्कूल स्थापित किया जाए, जो केंद्रीय विद्यालय के सिस्टम पे हमारे नेशनल सिलेबस को पढ़ाए। हर प्रदेश में है, हर राज्य में है, लेकिन तमिलनाडु ने कहा अगर आप हिंदी सिखाएंगे हमें नहीं चाहिए। तो बस पूरे देश में एक ही प्रदेश है जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित नहीं किए हैं, ये तो तमिलनाडु है, और उतने पैशनेट है ये लोग उनकी भाषा के बारे में कि वो लोग मानते नहीं है कि ये बच्चों के लिए अच्छा है, आपकी राजनीति छोड़। तो आप ये भी समझना चाहिए, उत्तर भारत में मेरे ख्याल में लोग समझते नहीं, लेकिन लोग जब बात करते हैं और नहीं बात करते हैं, समझते नहीं समझते, मेरे ख्याल में